अगर आप भी अपनी वर्षों की जमा पूंजी बैंक के लॉकर में रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए है। अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित SBI के लॉकर से 40 लाख का सोना गायब होने का मामला सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ग्राहक ने अपनी वर्षों की जमा पूंजी के रूप में रखा सोना बैंक के लॉकर से गायब हो गया। महिला ने बताया कि उसने लॉकर में दो बॉक्स रखे थे, जिसमें से एक बॉक्स खोलने पर नहीं मिला। धोखाधड़ी व चोरी के मामले में क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज कराया है। नवाब का बेटा तुलसी भवन प्रभु मोहल्ला निवासी बेबी जेठ मलानी पुत्री सुगनोमल सिंधी ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसको SBI बैंक डिग्गी बाजार अजमेर में लॉकर आवंटित है, जिसे 10 फरवरी 2023 को ऑपरेट किया गया था एवं ऑपरेट करने पूर्ण रूप से ताला लगाकर वापस बैंक से लौट आए थे। उसके बाद 2 जून 2023 को लगभग 12 बजे बैंक में लॉकर ऑपरेट किया तो लॉकर में रखे दो बॉक्स में से एक बॉक्स जिसमें सोना था, लॉकर से बॉक्स गायब था। एक बॉक्स लॉकर में ही उपलब्ध था। इसके बाद बैंक मैनेजर को सूचना दी थी, उन्होंने प्रार्थना पत्र देने को कहा। पीड़ित महिला ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि सोना जो कि एक स्टील बॉक्स में था, एक स्टील बॉक्स पूरा लॉकर से गायब है, जिसकी बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। धोखाधड़ी व चोरी में मामला दर्ज किया जाए। पुलिस थाने महिला के साथ मंजू टेक चंदानी पत्नी राजेश टेक चंदानी निवासी नाथ जी मंदिर मार्ग कुंदन नगर अजमेर भी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच उप निरीक्षक कैशाराम को सौंपी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं बुजुर्ग महिला ने बताया कि स्कूल में सर्विस करती थी, कभी किसी के साथ गई तो कभी कुछ खरीद कर ले आती थी। उसमें 8-10 कंगन, कान के 12-13 जोड़ियां, ब्रेसलेट, चांद की गिनिया, पायल व अन्य सामान भी था। जी आंटी, कहाँ पे अपना सामान पड़ा था, कौन सी बैंक में और क्या हुआ है? ये स्टेट बैंक डिग्गी चौक में रखा था, लॉकर में रखा था जी। तो मैं 2 तारीख को गई थी कुछ सामान रखने के लिए और कुछ लेने के लिए, तो देखा तो लॉकर में एक डब्बा स्टील का है, वो था ही नहीं, और एक छोटी डब्बी पड़ी है सिर्फ, वो भी लास्ट कोने में। हाथ डाल के देखा तो सामने वो काले कलर की थी, तो किसी को दिखाई नहीं दी होगी, तो वो तो उधर ही पड़ी थी, बाकी वो स्टील का डब्बा उसमें गायब हो गया है। कब से रखा हुआ था आपने सामान? ये तो मेरे को काफ़ी साल हो गए, 15-20 साल हो गए हैं रखते हुए। क्या क्या था सामान में? उसमें 8-10 कंगन थे और कान की 12-13 जोड़ियां थी और एक ब्रेसलेट था और चांदी का सामान था, 10 गिनियां थी चांदी की और सुरमेदानी थी और पायल थी, और तो मेरे को इतना ध्यान है ही नहीं। कितना तोला सोना होगा? 20-25 का तो होगा ही, मतलब 20-25 तोले तो होंगे जी। क्या लागत मानते पूरे सामान की आप? होंगे 40 लाख तो होंगे कम से कम जी, 40 नहीं ये 30-40 लगभग ऐसे ही। अब थोड़े हम जानते हैं, मैं तो इकट्ठा करती गई घूमने जाती थी तो लेके आती थी, स्कूल में सर्विस करती थी, किसी को देखती थी तो चलो कान के लिए उसके साथ लिया या कंगन लिया या कोई दुकान के पे चीज़ अच्छी लगती है बहन के साथ जाती थी तो उसके साथ लेके आती थी। उसमें असली नग के कान के भी आपने शिकायत दर्ज कराई है? शिकायत दर्ज कराई कल करवा के आई ना इसमें टावर में। पहले तो मैं गई थी उसी दिन जिस दिन मेरा हुआ था ना, तो मेरे को बैंक वाले ने बोला कि शाम को आना 6 बजे और कैमरा में इसमें देखेंगे। फिर मैं चारों जने गए, मेरी भतीजी, मेरा भांजा, मैं तो गए तो कैमरा उन्होंने दिखाया नहीं, बोला उधर है ही नहीं कैमरा, आपको क्या दिखाए, बस ऐसे टाल के। और हम फिर क्लॉक टावर में गए तो उधर बोला कि इधर मीटिंग चल रही है, अभी तो होगा ही नहीं, सर कोई है ही नहीं। लापरवाही दिखी है बैंक के इसमें है? लापरवाही है बैंक की इसमें? वो तो पता नहीं, मेरे को तो लग रहा है ना तो लापरवाही हुई ना, अभी उन्होंने हमें ध्यान ही नहीं दिया। मैं चिल्ला के रोने लगी तो मेरा ये एक डब्बी उसको मैनेजर को दिखाया कि सिर्फ एक डब्बी निकली है और मेरा है ही नहीं, तो कह रहे 2 लाकर होते हैं, चाबी आपके पास होती है, तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैनेजर के पास भी गई। आपका नाम? बेबी जेठ वलानी। अंकल का? वो मतलब अनमेरिड हूँ मैं। बैंक में अपनी कमाई की गाड़ी पूंजी जमा कराने के बाद हम सब निश्चिंत हो जाते हैं कि ये पूंजी सुरक्षित है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी मिल जाएगी। लेकिन क्या ऐसा आपने सुना है कि लाखों रुपए की जमा पूंजी भी बैंक से गायब हो जाए? ऐसा ही मामला अजमेर के SBI बैंक शाखा में हुआ है, जहां एक महिला का लॉकर से 40 लाख का सोना पार हो गया।
जीवन भर की कमाई को पार हुए देख महिला हतप्रभ है, या ये कहा जाए कि सकते में। बोलने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। वो इतना बार कहती है कि आखिर मेरी क्या गलती है, मैंने तो देश के सबसे बड़े बैंक SBI में अपनी जमा पूंजी रखी थी। महिला के बताए अनुसार लगभग 40 लाख रुपए का सोना उसने अपने बैंक के लॉकर में रखा था, और जब कल 2 जून को उसने वापस उसे संभालने पहुंची या देखने पहुंची तो वहां कुछ नहीं मिला। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही बैंक मैनेजर आया और बोला कि मामले की जाँच करवा दें। देखना होगा कि जांच में क्या होगा। फिलहाल महिला ने अजमेर में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, लेकिन बैंक से इस तरह लॉकर से सोने को पार होने की घटना अपने आप में आश्चर्य में डालती है कि आखिरकार लोगों की जमा पूंजी कहां सुरक्षित है। अजमेर से सहयोगी कार्तिक शर्मा के साथ BL Rose News 21।